लखीसराय शहर के नया बाजार आर लाल कॉलेज के समीप सम्राट अशोक भवन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय पत्रकार महाधिवेशन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार सम्राट ने की। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डीएम अमरेंद्र कुमार ने कहा कि पत्रकारिता एक जुनून है, लेकिन इसमें भी सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। उन्होंने नवोदित पत्रकारों से कहा कि बायस होकर खबर नहीं करें, दोनों पक्षों की बातों को भी अपने खबरों में समाहित करें, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। वहीं मुख्य अतिथि गणेश गुंजन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों को हक और अधिकार के लिए पत्रकारों की एकजुटता जरूरी है। समाज में शांति स्नेह और सद्भाव के साथ खबरों की वास्तविकता आम और आवाम के बीच परोसने की जरूरत है। जनता के बीच विश्वास पैदा कर सरकार से अपने हक के लिए पत्रकारों को लड़ना होगा। वहीं विशिष्ट अतिथि सह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद ने वर्तमान परिस्थिति में पत्रकारों के हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि आए दिन पत्रकार पर हमले किए जा रहे हैं और सरकार पत्रकार को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। दूसरे जिले और दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री से जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के डेलीगेट्स आए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। लखीसराय में ये आयोजित हो रहा है और हम उसके दोस्त हैं, हमारे पत्रकार संघ उसका दोस्त है, जो काफ़ी गर्व की बात है और इसे आप लोग आगे काफ़ी उपयोगी बनाए, अच्छा डिस्कशन हो, कुछ फलाफल मेरे संघर्ष तो हमेशा चलता ही रहेगा, घटनाएं हो तो रहेगी लेकिन उसका प्रतिफल इसका मैसेज आना चाहिए। पत्रकारिता से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे कलाम और मामूली दोनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से डिप्लोमा आ रही है। ऐसे समय भी हो रहा है सबसे पहले हम सबसे बहुत सारी बातें यहाँ पर की जा सकती है, यहाँ पर दो तरह की बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। महाकमीशन ने पत्रकारों हम सबको ये तय करना है कि हमारा विषय है, हमें यह तय करना होगा कि आने वाले समय में चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं। ये लखीसराय है, लिहाजा यहाँ जब आप आइए तो एक बार मुस्कुराइए जरूर। और रंजीत सम्राट के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि रंजीत वाकई में जो भी रंजीत हैं, लेकिन वो सम्राट जरूर। इन्होंने जो कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम की जो व्यापकता है, इसकी जो भव्यता है और जो पत्रकारों की पीड़ा है, क्योंकि देखिए पत्रकारों की बड़ी समस्या है, पत्रकार हमेशा समस्या से जूझ रहा है और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको कहा जाता है। हालांकि संविधान ने इसको दर्जा नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद तो ये हमारा संघर्ष है, ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा हम लोगों का। और निश्चित तौर पर मैंने अभी शो में भी कहा और फिर मैं आपसे भी कहता हूँ कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने की हसरत हमारी भी है, लेकिन आसमान से कह दो वो अपना कर। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशफील्ड रस ये एक ही बॉटल में है, स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।